दोस्तों इस बार ऐसा लग ही रहा था कि श्रेयस अय्यर इस बार नैया पार कर देंगे तो शायद हम गलत प्रूफ हो जाएंगे कि वो T20 वर्ल्ड कप के लायक नहीं है, लेकिन श्रेयस अय्यर ने हमें सही प्रूफ किया कि सही में यार वो T20 वर्ल्ड कप के लायक नहीं थे। हाँ जी, वो इस बार भी 50 रन बनाकर आउट हो गए। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि ल्युंगे एंगेडी जो है, जो भी उनका नाम है, खतरनाक नाम है, वैसे ही वो हंसते हुए नजर आए, शॉर्ट बॉल मारी उन्होंने और फिर से श्रेयस अय्यर ने बीच मझधार में छोड़ के इंडिया को वो आउट हो गए। हाँ जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन की लास्ट होप दिख रहे थे, लेकिन श्रेयस अय्यर ने संजू सैमसन का साथ छोड़ दिया। 118 पर वो आउट हो गए और वो 5 विकेट हो गए। अभी भी बहुत सारे रन चाहिए थे इंडिया को, लेकिन इंडिया को कहाँ कुछ कोई बचा सकता था। श्रेयस अय्यर के बारे में कुछ दो शब्द लिखिए नीचे।